एक मिनट, देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए। अगर ये किसी से प्यार करती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सब नॉर्मल है आजकल, और किसी से प्यार करना गलत बात नहीं है। And I'm sure, ये जिससे प्यार करती है ना, वो उस दलजीत से 100 गुना बेटर होगा। नीति के जाल में दोबारा से फंस जाती है परी। भाई परी को लग रहा था कि नीति हॉस्पिटल चली जाएगी, यहाँ पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह मिल जाएंगे, तो भाई किसी तरीके से यहाँ पर वो सच बता देगी। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। यहाँ पर गुरविंदर के साथ मिलकर वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, और उसके बाद वो चलती है बड़ी साजिश। अब यहाँ पर वो पकड़ लेती है बबली को। अब बबली और दिलजीत का एक MMS वो लीक कर देती है, और राजीव को ये बता देती है कि भाई इन लोगों के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है, और जिस तरीके का MMS उसने लीक किया है ना, उसे देखकर तो यहाँ पर राजीव को भी लगता है कि भाई ठीक है, पर इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। तुम उस लड़के को बुलाओ, हम सब उससे बात करेंगे, और हमें इन दोनों की शादी करानी चाहिए, ना कि बबली और दलजीत की। एक मिनट, हम सब बात करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, तू शांत हो जा। वो लड़का दलजीत ही है पुत्र, दलजीत से प्यार करती है ये। अब नीति किसी तरीके से यहाँ पर बबली को फंसाना चाहती है, और उसको लगता है कि भाई मैं बबली को किसी तरीके से टॉर्चर करूंगी तो परी सारा सच बता देगी अपने आप। लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भाई पार्वती है, वो कैसे इतनी जल्दी हार मान सकती है, और यहाँ बबली के पास आ भी जाती है, बबली से पूछताछ भी करती है, और उसको बोलती भी है कि भाई तुमने इतनी जल्दी रोका और सगाई वगैरह कैसे कर ली यहाँ पर, वो भी दिलजीत के साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बबली दिलजीत को, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये दलजीत को प्यार नहीं कर सकती जो तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है। और यहाँ पर बबली कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन जब बबली MMS के बारे में बताती है, तब पार्वती को समझ में आता है अच्छा कि नीति ने किस तरीके से उसको फंसाया है। अब वो MMS में कोई और नहीं, यहाँ पर बबली नहीं थी, कोई और था, और जिस तरीके का वीडियो है ना उसमें भाई बबली तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर परी को जैसे ही पता लगेगा कि अरे ये वीडियो इस तरीके का लीक हुआ है, तो वो अब दिलजीत से लेगी बदला। अब देखते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वही तो मैं सबको बताने की कब से कोशिश कर रही हूँ, कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रही थी। मैं दलजीत से कोई प्यार व्यार नहीं करती, बड़ी बात, प्लीज मेरी बात मानो ना। आपने सुना ये क्या बोल रही है? मैंने जो देखा है ना पुत्र, वो देखने के बाद कहने सुनने के लिए और कुछ नहीं बचता, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने बबली और दलजीत का रोका कर दिया। किस तरीके से यहाँ पर भाई पार्वती जो है वो परी बनकर यहाँ पर नीति से बदला लेने वाली है, और नीति को किस तरीके से जवाब देगी, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन हमने जो प्रोमो देखा था उसमें हम देख ही रहे थे कि नीति यहाँ पर भाई उसको फोन कर रही है, उसको बोल रही है कि देख लो तुम्हारी बहन बबली की शादी ना यहाँ पर दिलजीत से करा रही हूँ। और यहाँ पर ना नीति उसको चैलेंज कर देती है, और उसको बोलती है कि अगर तुम शादी नहीं रोक पाओगी तो अपना सच बता देना कि तुम परी हो, और अगर तुम अपना सच नहीं बता ना पाती तो यहाँ पर शादी हो जान देना। तो देखते हैं अब परी क्या करती है, क्योंकि यहाँ पर हमने कई बार देखा है कि परी ना अपने आप को बहुत इमोशनली फील करती है। यहाँ पर परी ना हर बार इतनी इमोशनल हो जाती है राजीव और नीति को देखकर कि भाई वो सोचती है कि ठीक है रहन दो, मैं कोई बदला वगैरह नहीं ले रही। लेकिन अब बबली की बात आ गई और यहाँ दिलजीत की बात आ गई, अब तो पूरे फॉर्म में आके यहाँ पर भाई नीति से बदला लेगी। वही हम देख रहे हैं कि नीति ने एक और साजिश रच दी है, यहाँ पर परी का हो जाता है एक्सीडेंट, और देखते हैं राजीव क्या परी को बचा पाएगा या उसकी बड़ी चोट लग जाएगी।